दिवाली के एक दिन बाद दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक हो गया। सुबह 6 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 था। सुबह 9:30 बजे तक यह 353 तक पहुंच गया। हवा में पर्टिकुलर मीटर का स्तर औसत 390 मापा गया। इसके बीच सबसे बड़ा कारण दिवाली पर जलाए गए पटाखे बताए जा रहे हैं। बैन के बाद भी प्रदेश में रात भर पटाखों का शोर और धुआं चलता रहा। सुबह होने के बाद दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं बची। दिल्ली से सटे नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी हवा में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा रहा। सुबह 9:30 बजे नोएडा का IQ 344, गुरुग्राम का 341 और फरीदाबाद का 347 दर्ज हुआ। दिवाली के अगले दिन दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर पर है, लेकिन दिवाली पर दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर 4 साल के सबसे कम स्तर पर रहा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक इस साल 24 घंटे का IQ का औसत 312 रहा। 2021 में यह औसत 382 था, 2020 में 444 और 2019 में 337। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे जलाने पर लगे बैन के खिलाफ दाखिल याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले BJP सांसद मनोज तिवारी से कहा कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए और मिठाइयों पर पैसे खर्च करने दीजिए। इससे पहले हाईकोर्ट ने पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा, मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो हम सुनवाई नहीं कर सकते। एयर क्वालिटी इंडेक्स को 0.50 के बीच बेहतर, 51.100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच सामान्य, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 400 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। हवा में मौजूद पर्टिकुलर मीटर इंसानों के फेफड़ों के लिए जहर से कम नहीं। यह हवा में मौजूद ऐसे कण होते हैं जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। इसकी वजह से समय से पहले ही मौत हो सकती है। WH के मुताबिक पर्टिकुलर मीटर 2.5 हवा में 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूब मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे देश में पर्टिकुलर मीटर की मात्रा इससे ज़्यादा है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।